नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। आईसिस ने दी रमजान के दौरान आतंकी हमलों की धमकी। ऑडियो जारी कर अपने लड़ाकों से यूरोप, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया को दहलाने का किया आह्वान। ईरान ने आतंकी हमले के लिए हमलावरों को सराहा। अमेरिकी चुनाव के दौरान रूस से कथित संबंध मामले में बढ़ सकती है ट्रंप की मुश्किलें। सीनेट की न्यायिक समिति के सामने आज अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस देंगे गवाही। सेशंस से ट्रंप की प्रचार टीम में उनकी भूमिका को लेकर हो सकते हैं सवाल जवाब। रूस के पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन। विपक्षी नेता एलेक्से नावल्नी की अगुवाई में हजारों लोग सड़क पर उतरे। पुलिस ने नावल्नी समेत 250 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। नावल्नी ने पुतिन सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। थेरेसा मे ने ली चुनाव में पार्टी के हताशापूर्ण प्रदर्शन की जिम्मेदारी। वेस्टमिंस्टर में बैकबेंच समिति के सामने कहा, मैंने ही सबको मुश्किल में डाला, मैं ही इससे बाहर निकालूंगी। मध्य अवधि चुनाव में थेरेसा मे को नहीं मिला था बहुमत। 6 मुस्लिम देशों के अमेरिका में यात्रा प्रतिबंध पर लगी रहेगी रोक। अमेरिका की 9वीं सर्किया अपीलीय अदालत ने फेडरल कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार। ट्रंप ने सुरक्षा का हवाला देकर यात्रा प्रतिबंध का दिया था आदेश। और 26 जून को होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात। आतंकवाद, H-1B वीजा समेत कई मुद्दों पर होगी बात। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।